तो हाजिर है एक और दमदार टॉपिक, पी जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, इसकी ये सेकेंडरी कॉइल है, इस छोर को S1, इस छोर को S2 नेम दिया गया है। दो डायोड इसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको ये जो जंक्शन डायोड है इसको एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना है। जब हम इसमें AC वोल्टेज यानी इनपुट देते हैं तब ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव हो जाता है फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में। तो क्या होता है कि जो ये P है, P वाला इसको पॉजिटिव मिला है तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इधर कोई करंट नहीं आता है। फिर क्या करते हैं, जब ये नेगेटिव साइकिल होती है, नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, अब की बार से ये वाला फॉरवर्ड वाइज हो गया तो करंट इसमें इस तरीके से फ्लो होता है और यहाँ तक करंट आ जाता है। तो हमारा इसमें क्या, हमने देखा कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमको दोनों में हमारा पॉजिटिव करंट यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है। द आउटपुट करंट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ यूनिडायरेक्शनल पल्सेस।